आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस ऑडिटोरियम की लाइट साफ कर दीजिए, क्योंकि हमें सामने बैठे लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। इस ऑडिटोरियम की सारी लाइट साफ कर दीजिए। खूब सुंदर सा वातावरण जो दो साल पहले मैं यहाँ पर छोड़ कर गया था उसी तरह का रहे। हिंदुस्तान अभी थोड़ी देर पहले विश्व कप दे आया किसी को, हम बड़े लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, इसलिए सारा जहां हमारा है, तो चाहे वो कप हम ले जाएं या वो कप अजातशत्रु ले जाए, एक ही बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस पिच से बाहर निकल करके इस ग्राउंड पर आकर के हम लोग अपनी बैटिंग करें और आप लोग अपनी बॉलिंग कीजिएगा। हो सरवेजी साहब के लिए जो कहा जाए वो कम है। उनकी शायरी मुझ तक यूं पहुंचती रहती है कि मैं पत्रिका का संपादक हूं और उनकी शायरी मैं उसमें छापता रहता हूं। एक एक शेर उनका, एक एक पंक्ति उनकी जमाने के हालात की तर्जुमानी करती है, जो हमारा समाज है उसके बारे में बात करती है और जो हिंदुस्तान की उर्दू की परंपरा है उसको निभाती है। शायरी वही अच्छी होती है जो सबके हित की बात करे, और मेरे ख्याल से हो साहब की कोई भी शायरी ऐसी नहीं है जो कहीं इख्तलाफात पैदा करती हो, यानी असहमतियां पैदा करती हो, कहीं पर विखंडन की बात करती हो या दूरियां पैदा करती हो। इसलिए एक बड़े अजीमुशान शायर के लिए याद में हम जोरदार तालियां बजाएं, इस वातावरण को उस मुश्तरका तहजीब के हवाले करें जो हिंदी और उर्दू के लिए जानी जाती है। इस मंच पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही जतन से आदरणी धीरेन्द्र जी ने बहुत मेहनत करके एक एक शायर को उन्होंने आमंत्रित किया है। मैं छोटा सा परिचय कराता चलूं और आप लोग, जो राजस्थान की रवायत है कि मेहमान के लिए जान भी दी जा सकती है, तो आप लोग जान मत दीजिएगा प्लीज, लेकिन तालियों की जान डाल दीजिएगा इस महफिल में। देखिए मफलर है उनके कंधे पर, ये उनकी पहचान है। उनकी शायरी परिवार से उठती है, समाज तक जाती है, उनकी शायरी लोगों के लबों तक पहुंचती है। वो लब कविता कृष्णमूर्ति के हो सकते हैं, वो लब पंकज उधास के हो सकते हैं, वो लब अमिताभ बच्चन के हो सकते हैं। इन सभी लोगों ने जिनकी शायरी को गाया है, और भी बहुत सारी फहरिस्त मैं बताऊंगा। एक बार विदिशा में पैदा हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन अब दिल्ली में मुकीम आलोक श्रीवास्तव के लिए हम जोरदार तालियां। और जो मध्य की कुर्सी पर है, हम सबके बड़े हैं, वो सदारत भी करेंगे इस महफिल की, अध्यक्षता भी करेंगे, सबसे बड़े भी हैं। देवबंद एक ऐसी जगह है जहां से हिंदुस्तान की तमाम सारी चीजें गवर्न होती हैं, हिंदुस्तान की तहजीब जहां से गवर्न होती है, उस जगह का नाम देवबंद है। देवबंद सहारनपुर जिले का एक कस्बा है, एक तहसील है, लेकिन जब वहां नवाज देवबंदी पैदा हो जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर माना जाने लगता है। आदरणीय नवाज देवबंदी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं देवबंद। उनके ठीक बगल में आप देखिए, अगर वनडे नहीं हो रहा होता, फाइव डे मैच हो रहा होता, तो इसी तरह के कपड़े पहने होते क्रिकेट वाले। अरुण जैमिनी हास्य का सबसे बड़ा हस्ताक्षर इस हिंदुस्तान का, जोरदार तालियों के साथ अरुण जैमिनी जी का स्वागत करते हैं। दिल्ली से हमारे पिता हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी मुस्कुराते हैं, उनको भले लोग मुझे स्माइल मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान में आप स्माइल मैन को चुनिए कौन है, तो मैं अरुण जैमिनी का नाम लूंगा, जोरदार तालियों। शायरी क्या होती है, गुफ्तगू क्या होती है शायरी में, मुशायरा क्या होता है और उर्दू की तहजीब क्या होती है, उसकी बड़ी नुमाइंदगी करने वाले हमारे एक बाल अशर साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं, बड़े शायर हैं, उम्र में मुझसे थोड़ा सा ही एक आध साल भले बड़े हों, लेकिन वो शायरी में बहुत बड़े हैं। एक बार उनका जोरदार तालियां। राजस्थान में बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। राव अजातशत्रु उदयपुर से हमारे बीच है। मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदी मंच पर अगर हास्य की बात करनी हो तो आप अजातशत्रु को बुला सकते हैं, गजल की बात करनी हो तो आप अजातशत्रु को बुला सकते हैं,
हिंदी गद्य लिखना हो तो आप अजाशत्रु को बुला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है अगर नवगीत लिखवाने हो तो भी आप अजाशत्रु को बुला सकते हैं। राजस्थान की जमीन का बहुत लाड़ला हस्ताक्षर राव अजाशत्रु। अरे मेरे लिए भी बजाई दीजिए। मैं सर्वेश अस्थाना लखनऊ में रहता हूँ, दूसरी बार आया हूँ और भगवान कसम दूसरी बार ही आया हूँ, उससे पहले मैं नहीं आया यहाँ पर। धीरेन्द्र मदान साहब को बहुत बधाई देते हुए, वीरेन्द्र मदान जी को, पूरे मदान परिवार को, हम लोगों ने भी अपने वालदेन, अपने पिता, अपने माता की स्मृतियों में काम करने की कोशिशें की, लेकिन हमारे पास संसाधन हो सकता कम रहे हों, हो सकता है कि हमारी जिजीविषा कम रही हो, हमारा डेडिकेशन कम रहा हो, लेकिन जब मैं मदान परिवार की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर अपने माँ बाप को सच्ची खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि कोई दे सकता है तो यही परिवार दे सकता है। आइए एक बार इनके भी सम्मान में। समय चूंकि हम देर से शुरू हो रहे हैं, लगभग एक घंटा, और हम जानते थे कि जब तक आखिरी बॉल फेंक नहीं दी जाएगी तब तक कोई शायरी नहीं सुनेगा, कोई कविता नहीं सुनेगा, इसलिए मैं अच्छा आखिरी बार देख लिया क्या कर लिया आपने, एक घंटा पहले आ जाते तो हम लोग ज्यादा सुना सकते थे, है ना, लेकिन फिर आप लोग खाने के टाइम उठ के चल देंगे, बड़ी दिक्कतें इस देश में। अब मुझे लगता है कि मोदी जी ही जितवा सकते हैं विश्व कप। ये अब ये देखें, अच्छा वहाँ ईवीएम काम करता नहीं। आइए शुरू करते हैं एक अच्छी महफिल, और बहुत पाकीज़ा महफिल है, हिंदी के वो शुचिता संपन्न कवि इस मंच पर हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं, उर्दू शायरी के वो अलमबरदार हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान की शायरी पूरी दुनिया में है। आइए मैं माँ सरस्वती के चरणों में चार पंक्तियाँ रखता हूँ, हमारी अकीदत है हम उस माँ सरस्वती को ज़रूर प्रणाम करते हैं जिसने हमें ये सलाहियत बख्शी है कि हम आप जैसे बड़े लोगों के सामने खड़े होकर के बोलने की कुछ हिम्मत कर सकें। नवाज साहब जब मंच पर बैठे हों और इस माइक पर कोई उनसे छोटा खड़ा हो तो उसके भीतर ये हिम्मत आने की ज़रूरत होती है, वो माँ सरस्वती की वजह से ही आ सकती है कि बड़े लोगों के बीच में कुछ बोला जा सके। मैं चार पंक्तियाँ कहकर पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ। बस आपसे मैं ये निवेदन कर लूँ इससे पहले कि ये खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है। हमने बहुत सारे विश्व कप जीते हैं, हमने सभी युद्ध जीते हैं, हम कभी हारे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कहा गया है कि क्रिकेट इज बाई चांस, हॉकी इज बाई डांस, तो ठीक है चांस था कि हमने ये सेमीफाइनल छोड़ दिया है, अभी आगे बहुत सारे विश्व कप बाकी हैं, आइए हम उससे निकलते हैं। माँ सरस्वती के कदमों में चार पंक्तियाँ, और आप सबको शामिल करना चाहता हूँ कि दीप प्रज्वलन वगैरह हो गया ना सब। मैं बाबू जी को प्रणाम करते हुए, कवियों नहीं बालक हूँ तेरा माँ, आप लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका शामिल होना, जब आप शामिल होंगे तो ये मंच दुनिया का सबसे बड़ा मंच साबित होगा, अगर आप नहीं शामिल होंगे तो हम भी क्रिकेट टीम बन सकते हैं। कवि हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, आप समझ गए ना, कवि हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, उर भाव नवीन सचारतिया, कवि हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, उर भाव नवीन सचारतिया, टूटी फूटी कविता को मेरी अपने कर आप संवारतिया, तुझे जाने कहाँ है अबार लगी, कहाँ देर हो गई, तुझे जाने कहाँ है अबार लगी, पगवेग मराल पे धारतिया, राजहंस उनकी सवारी है, तुझे जाने कहाँ है अबार लगी, पगवेग मराल पे धारतिया, कर में निज वीणा लिए हुए माँ, झनकारतिया झनकारतिया झनकारतिया। मैंने उस माँ को भी बुला लिया है जो हम सबकी माँ है, हम सबको आशीर्वाद देगी। आइए पहला कवि आमंत्रित करते हैं। जब हम किसी पूजन के लिए, हम जब चलते हैं चारों धाम की यात्रा करने के लिए या हम चलते हैं हज करने के लिए, तो हम सबसे पहले अपने घर के पास की मस्जिद में जा करके नमाज अदा करते हैं। हम जब चलते हैं चारों धाम की यात्रा के लिए तो हम सबसे पहले अपने घर के आंगन की तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसके आशीर्वाद लेते हैं, तब हम यात्रा पर निकलते हैं। तो ये जो काव्य की यात्रा है, जो होश साहब के लिए है, और हम लोग बाहोश होकर के इस महफिल में बैठे हुए हैं, मैं पहले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो उदयपुर से निकलता है, पेशे से अध्यापक है, हास्य व्यंग का अद्भुत कवि है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा मंच नहीं है
जहां रावजा शत्रु ने कविता न पढ़ी हो। हिंदुस्तान के 75% मंच ऐसे हैं जिनका संचालन भी रावजा शत्रु करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो आंगन की तुलसी जो प्रत्येक विधा का सिद्धांत कवि है आपकी जोरदार तालियों के साथ आए और इस सम्मेलन का शुभारंभ करे रावजा शत्रु। राजस्थान के जो कुछ कवि पूरे देश में पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें से अजा शत्रु भी एक है, मुझे बहुत खुशी है। इस दौरान हमारे कुछ अतिथिगण आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर आपको दो चीज़ें यहां पर लेकर आए हैं, एक तो कविता की कशिश और दूसरा मदान परिवार का प्रेम। तो जहां कशिश और प्रेम आपस में मिल जाते हैं वहां पर बहुत गहरी शायरी बनती है। इन्होंने मुल्क की बात की, मैं चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है। राजस्थान से ज्यादा कौन समझेगा स्वदेश के लिए प्राण उत्सर्ग करने की बात। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। ये माटी सोना उपजाती, इसमें मानवता पलती है, पर जहां शत्रु का पांव पड़ा ये ज्वालामुखी उगलती है। ये हमारे देश की है कुबत। शायरी बहुत सारे पड़ावों पर चलती हुई एक यात्रा है। शायरी सिर्फ आशिक और माशूका और आशिक के बीच की गुफ्तगू नहीं है। सरहदी साहब की गज़लें जो साहित्य गंधा में इस बार छपी हैं उनको देखिए, वो आशिक और माशूक की गज़लें नहीं हैं, वो ज़माने की तर्जुमानी करते हैं, उसकी बात की तर्जुमानी करते हैं। यानी तर्जुमानी का मतलब होता है ट्रांसलेशन करते हैं। आप जो सोच रहे हैं, जो पारिवारिक मूल्यों को लेकर के आप महसूस करते हैं, अगर उसकी उसका ट्रांसलेशन कोई कवि या शायर कर देता है तो हमें लगता है कि ये तो मेरी ही बात कर रहा है। और वही शायर और वही कवि मकबूल होता है जो लोगों के दिल में उतरे और फिर होठों पर बैठ जाए। ऐसे ही सारे कवि और शायर इस मंच पर।